पता नहीं यहाँ पे कितनी झांकियां निकल रही हैं भाई साहब, आगे भी दो तीन झांकियां गई हैं और ये तो आप देखिए क्योंकि इसके पीछे एक बॉक्स है, इसमें पता नहीं क्या रखा हुआ है यार, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ इसमें कुछ भगवान है शायद, इनके इनको चूम रहे हैं मतलब सभी देखो। यहाँ का लोकल कल्चर, इसमें अयप्पा स्वामी भगवान है, अयप्पा स्वामी, हाँ ओके ओके, अयप्पा स्वामी के झांकी निकल रही है। देखिए यहाँ पे दूसरे भाई साहब लग गए हैं अब आगे। चल भाई ये देखो ऊपर बाल करके क्या मस्त है, मजे ले रहा। चल लोग पर नाम ले ले यहाँ, आती रह ले, चल ये बस 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 ये
अयप्पो देखिए झांकी यहाँ से काफी आगे निकल चुकी है और सबसे लास्ट में यहाँ पे अयप्पा स्वामी का प्रसाद बट रहा है। देखो ये प्रसाद बांट रहे हैं, इसमें कुछ चावल से बना हुआ प्रसाद। कि आप यहाँ पे जो राख देख रहे हैं ना, आग जलाई थी, सभी लोग यहाँ पे आए थे और जब आग बुझ गई थी तो राख में से लेकर माथे पे इस तरह से टीका लगाया था। कह रहे थे यहाँ के लोग कि इस तरह लगाने से बीमारियाँ नहीं होते हैं। तो आज जिस तरह से आपने देखा वीडियो में, किस तरह से भव्य तैयारी करके अयप्पा स्वामी को पता नहीं इधर कहाँ से और इधर ले गए थे, इधर अयप्पा स्वामी का मंदिर है वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ पर भी देखे सुबह से पंडाल लगा हुआ है और कुछ प्रसाद वितरण हो रहा था सुबह से। तो ये बस छोटा सा आज का ब्लॉग। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस ब्लॉग के माध्यम से आपको आंध्र प्रदेश की संस्कृति देखने को मिली, किस तरह से यहाँ पे लोग ओणम को मनाते हैं यानी कि संक्रांति के त्यौहार को मनाते हैं। आज के इस ब्लॉग को हम बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ पे यार बड़ी बड़ी लकड़ी लगाई थी जो अभी भी आग जल रही है। देखो ये एक मेन चौराहा है यहाँ का, यहाँ पे मंदिर है 1970 के ज़माने का। यहाँ देखो सुधर पूरे पेड़ में ही आग लगा दे यार, कमाल है। बीच बीच में तो जल गो, आगे पीछे तो रह गए।